आपके साथ मौजूद हूँ शोवा फातिमा। अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खड़े उतर कर इस वक्त पूरी तरह से खड़े उतरते हुए एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिसने नीट जैसे कठिन एग्जाम को एक बहुत ही सफलता आसान पूर्वक बना दिया, एक ऐसा इतिहास रच दिया ना कि अपने सिर्फ खानदान वालों के लिए बल्कि अपने पूरे पूरे गांव के लिए एक इतिहास बन के रख दिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सैयद अयान अहमद जिसने नीट एग्जाम को अभी हाल ही में क्रैक कराया। बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव अ लॉन्ग सक्सेस इन दिस। क्या स्कोर इस वक्त आपके आए पूरे पूरे नीट के एग्जाम्स में? सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, और कि पहली बार मतलब ऐसा लग रहा है कि इतना अच्छा लग रहा है। और आपने स्कोर पूछा तो मेरे 642 आ रहे हैं जी, और 5386 रैंक है मेरी। ओके, जैसे ये कहते हैं कि जिस बच्चे ने नीट क्रैक किया वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, 24 घंटे पढ़ते रहते हैं। क्या स्केड्यूलिंग आपने बनाई अपनी पढ़ाई के लिए? क्या हॉबीज पीछे रह गई, हॉबीज को छोड़ दिया आपने, सिर्फ पढ़ाई करते रह गए? क्या क्या टाइम टेबल बना के चल रहे थे आप? नहीं, ये सब तो बस हाइप रखा है कि खाली पढ़ना है। एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए जो रोज फॉलो करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो होना बहुत जरूरी है, ताकि तभी माइंड फ्रेश रहता है और तभी अच्छे से पीसफुल माइंड के साथ इंसान पढ़ सकता है। कौन से कोचिंग का सपोर्ट आपने लिया? बिकॉज नीट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम, बिकॉज हर कोई कहता है कि डॉक्टरी का एग्जाम क्रॉस करना इज नॉट एन इजी टास्क। तो आपने कौन से कोचिंग सेंटर्स वगैरह का सपोर्ट लिया? मैंने जब मैं 12th पास किया AMU से, तो उसके बाद मैंने आकाश लखनऊ से कोचिंग की। फिर उसके बाद फिर लास्ट ईयर तो मेरा हुआ नहीं था, तो इस साल मैंने सेल्फ स्टडी करके इतना स्कोर किया है। क्या मैसेज देना है जो आगे बच्चे नीट के लिए आने वाले हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से जाने वाला है? मैसेज ये है कि बस पेशेंस नहीं खोना है, और प्रेशर तो बहुत रहता है, फैमिली का प्रेशर रहता है और सोसाइटी का प्रेशर रहता है, बस उसको हैंडल करना किसी भी हालत में, और प्रेशर हैंडल करके बस लगे रहना, हार्ड वर्क। मैंने अभी पापा से आपसे सुना, हमारे साथ इस वक्त इनके वालिद जी भी मौजूद हैं। मैंने सुना था आप मुझे बता रहे थे कि आपके दादा की ये ख्वाहिश थी कि आप एक डॉक्टर बन के खानदान में, आपके डॉक्टर की पीढ़ियों में आपकी ये डॉक्टर्स की जर्नी चली आ रही है, राइट? तो कैसा लग रहा है कि अपने दादा की ख्वाहिशों पर खड़े उतर के, कैसी फीलिंग आ रही है इस वक्त? जब रिजल्ट आया था तो काफी इमोशनल हो गए थे, साथ ही में बैठे थे मैं और दादा, तो बल्कि रोने भी लगे थे। वो बता नहीं सकते कैसा वो फीलिंग थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था वो उस टाइम। हार्टली कांग्रेचुलेशंस। इस वक्त बेटे ने एक बहुत ही मुश्किल एग्जाम, जैसे इस समय क्योंकि कोरोना काल लोगों की पढ़ाई छूट गई थी, एक कोचिंग सेंटर पे लगातार फोकस नहीं हो पा रहा था, कैसे आपने अपनी तरफ से सपोर्ट अपने बच्चे को लगातार दिया कि इसकी कोचिंग में या इसकी स्टडीज में कोई ब्रेक ना हो? हाँ, पहले तो मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शोभा जी आप हमारे इस गाँव में तशरीफ लाए और इस बच्चे की जो अचीवमेंट्स हैं उसको आपने पहुंचाने की कोशिश की है सबको। रही बात इसकी कि इसकी पढ़ाई की, तो ये हाई स्कूल से ही ये ऐसा लड़का था कि इसने अपना जो इसके अंदर गट्स था या जिस कैपेबिलिटी थी उसने जाहिर किया। हाई स्कूल इसने जो है हमारे टांडा से किया, DAV पब्लिक स्कूल से, और उसमें 10 CGPA आउट ऑफ 10 CGPA ले आया। उसी पे हम लोगों का हौसला बढ़ा और एक उम्मीद सी जगी कि इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बिना पे इसने अलीगढ़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसमें माशाल्लाह इसको पूरी पहली ही दफ़े में कामयाबी मिली। उसके बाद इसने इंटर जो है वहीं से किया, सिर्फ 16 साल की उम्र में, मतलब कुल मिला के घर से इसने ये निकल गया। हम लोग बहुत होपफुल थे और ये भी डर था कहीं ना कहीं कि इतनी कम उम्र में लड़का जो है जी, कहीं बहक ना जाए, बिगड़ ना जाए, इसका भी डर था, लेकिन साथ साथ ये इतना फेद भी था कि लड़का हमारा सही। अल्टीमेटली इसने जो है फाइनल किया इंटरमीडिएट, और उसके बाद जो है फिर इसका वही रुझान था नीट में बैठने का, तो हमने कहा बेटा बैठो, बस एक चीज़ ध्यान देना कि तुम्हारा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसका ख्याल रखो, और कोशिश ये करो कि वो जो चेन चली आ रही है हमारे दादा के ज़माने से, हकीम अब्दुल जलील साहब जो हमारे टांडे के बहुत मानिंद शख्सियत माने जाते थे, अब उनका इंतकाल हो चुका है और उनके नाम से हमारे वहाँ रोड भी बनी है, पूरा टांडा उनको जानता है, तो उस चेन को मत तोड़िए, क्योंकि हमारे चचा जान भी डॉक्टर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके साहबजादे डॉक्टर शाहिद हैं, उन्होंने भी इस चेन को कायम रखा,
और उसी चेन को कायम रखते हुए हमारे बेटे सैयद जो अयान अहमद जो आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने कायम रखा नीट पैक करके। और एक बाप की हैसियत से ये लाजमी है कि कोई भी बाप अगर अपने बेटे की कामयाबी सुनता है तो उससे ज़्यादा उसकी खुशी का कोई पल नहीं होता ना दिन होता है। तो मैं बहुत बेपनाह खुश हूँ और सबका मशकूर हूँ, ख़ास तौर से अपने वालिद मोहतरम का, जिन्होंने इस बच्चे की पैदाइश से लेके और आज तक सिर्फ उनकी ये ख्वाहिश थी कि इसको कुछ बनना है और ऊपर वाले ने उनकी इस ख्वाहिश को पूरी किया। इससे हम बहुत बहुत ज़्यादा जो है मुतमईन हैं कि हमारे वालिद साहब को हमसे भी ज़्यादा खुशी हो रही है, ये हमारे लिए बहुत फख्र और एजाज की बात है। जी। एक छोटे से गांव, जबकि आपका ऊंचा गांव एक पिछड़ा हुआ इलाका है इस पूरे क्षेत्र में, अगर हम बात करें तो एक छोटे से गांव से निकलकर आपका बच्चा पूरे देश में अब एक तरह से एक डॉक्टरी का डिग्री लेकर घर आने वाला है बहुत जल्द इंशाल्लाह, तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से दर्शकों को होगा कि किस तरह से और भी लोग और भी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हुए नजर आए? जी, इसका तो बस बहुत सीधा सा फार्मूला है कि पहली चीज तो ये है कि जिस बच्चे को पढ़ना है उसका रुझान क्या है जी। और दूसरी चीज ये है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक्सेप्शनल होता है कि मान लीजिए उनका फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं है लेकिन उनका गॉड गिफ्टेड होता है कि बहुत लेबोरियस होते हैं, उनका एक टारगेट होता है, गोल होता है, वो बिना किसी चीज की फिक्र किए हुए उस टारगेट को अचीव करते हैं जी। दूसरा ये पहलू है इसका कि माँ बाप पूरा सपोर्ट करते हैं उनको हर कदम पे, हर जगह कि बेटा ये कर लो, इस उसको ज्वाइन कर लो, इस क्लासेस कर लो एक्स्ट्रा, या ये जो है कोचिंग कर लो, तो उनका पूरा सपोर्ट होता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर बच्चे के अंदर एबिलिटी है तो उनके माँ बाप पर ये फ़र्ज बनता है कि उसको कायम और दायम रखें और उसमें किसी तरह से कोई कमी ना आने दें ताकि उनकी इज्जत अफजाई हो, उनका नाम रोशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खास बातचीत के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एयर इंडिया न्यूज़।